नमस्कार मित्रों, पारत के अष्ट संस्कारों में से एक है पारत का स्वेदन संस्कार। पारे से सोना बनाने के लिए पारे का अष्ट संस्कारित होना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में पहला संस्कार जो कि स्वेदन संस्कार है उसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडियन टैलेंट में आपका स्वागत है। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इंडियन टैलेंट में जो भी जानकारी दी जाती है वह किसी ना किसी ग्रंथ से ली गई है, कृपया ऐसे मनगढ़ंत ना समझें। इसी के साथ शुरू करते हैं पारत का स्वेदन संस्कार। रसेंद्र सार ग्रंथ में बताया गया है कि घी, कुआर, त्रिकूट और त्रिफला को कांजी में भिगोकर यदि पारत का मर्दन किया जाए तो पारत का स्वेदन संस्कार संपन्न हो जाता है। यदि सौंठ, मिर्च, पीपल, सेंधा नमक, राई, हल्दी और त्रिफला को बराबर मात्रा में लेकर इसमें चार गुनी कांजी मिलावें और फिर इस घोल को 8 घंटे तक पड़ा रहने दें, फिर इसमें लगभग 6 घंटे तक पारत का मर्दन किया जाए तो स्वेदन संस्कार पूर्ण हो जाता है। नंबर 3, यदि पारत को 3 घंटे तक नींबू के रस में घोटें, उसके बाद उसी पारत को 3 घंटे अदरक के रस में घोटें, फिर 3 घंटे मूली के रस में घोटें और अंत में ग्वार पाठे के रस में घोटा जाए तो स्वेदन संस्कार पूर्ण हो जाता है। नंबर 4, सौंठ और काली मिर्च को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर उस पाउडर में कांजी मिला दी जाए और फिर इस घोल को मंद मंद आंच पर लगभग 8 घंटे तक पकाया जाए तो स्वेदन संस्कार भली प्रकार से पूर्ण हो जाता है। नंबर 5, यदि अदरक का रस, पान का रस और नवसार को बराबर मात्रा में लेकर उसमें 4 घंटे तक पारत को घोटा जाए तो उसका स्वेदन संस्कार संपन्न हो जाता है। ऐसा पारत दिव्य औषधि बन जाता है। इस प्रकार के पारत को 1 बाल्टी पानी में केवल 10 मिनट तक रखा जाए और फिर निकालकर उस पानी से स्नान किया जाए तो त्वचा चमकीली और प्रभायुक्त बन जाती है। इस प्रकार के पारत का हल्का सा लेप चेहरे की फुंसियों, झुर्रियों, सूल आदि पर किया जाए तो कुछ दिनों में ये समाप्त हो जाते हैं। यदि इस पारत को 3 घंटे तक पानी की बाल्टी में रखें और फिर पारा बाहर निकाल लें और उस पानी से कुछ दिनों तक बाल धोएं तो बालों का झड़ना बंद हो जाता है और यदि गंज निकल आया है तो उस जगह बाल आने शुरू हो जाते हैं। यदि स्वेदन संस्कारित पारत को मलमल की पोटली में बांधकर शरीर के अंगों पर कुछ समय फेरा जाए तो जहाँ जहाँ भी अवांछित बाल होते हैं वे सभी समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, ये दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें अवश्य बताएं। और इसके बाद आने वाली वीडियो होगी पारत का दूसरा संस्कार यानी मर्दन संस्कार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।